जी ने हमको एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था कि हम 500 लोगों का एक प्रदर्शन करेंगे यहाँ पे शहीद स्मारक पे सभा करेंगे और उसके बाद सिविल लाइन फाटक पे जाकर के हम अपना ज्ञापन देंगे। उनके उस प्रार्थना पत्र को हमने एग्जामिन कराया, उनको बुला के बयान लिए, उनसे सारी स्थितियाँ पूछी, तो उन्होंने उस समय लिख के दिया कि हम 500 आदमी लेके आए। शहीद स्मारक की कैपेसिटी 500-700 आदमियों के बैठने की है। इस आधार पर हमने उनको अनुमति जारी कर दी। अनुमति जारी करने के बाद कल हमारी जानकारी में आया कि वो 500 नहीं हो तो 3,500-4,000 आदमी लेके आ रहे हैं। इस पर हमने आयोजकों को बुला के उनसे बात की, उनको रिक्वेस्ट किया कि आपका डेमोक्रेटिक राइट है कि आप प्रदर्शन करें, परंतु आप वेन्यू चेंज कर दें। हमारी गुजारिश है कि आप कोई दूसरी वेन्यू ले लें, बड़ी वेन्यू ले लें, जिसके ऊपर आपको आसानी से आपके लोग जो आए वो अपना बैठ सकें, वहां से वो अपनी बात कह सकें। परंतु उन्होंने अभी तक हमें कोई इस तरह का प्लेस नहीं बताया जिसके ऊपर हम उनको परमिशन दे पाए। इसलिए हमने उनकी जो पहले हमने अनुमति जारी की थी उस अनुमति को, जिसको उन्होंने रॉन्ग फैक्ट्स गलत तथ्य बता के 500 आदमी के तथ्य बता करके परमिशन ले ली, और फिर व्यवस्था और इंतजाम को चाहते हैं कि हम 4,000 लोगों को लेकर दें, जो कि यहाँ संभव नहीं है। अगर हम करते हैं तो यहाँ दिक्कत ये आती है कि ये ट्रैफिक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, यहाँ इतने वाहनों की पार्किंग नहीं कर सकते, और 700-800 से जितने भी आदमी आ जाएंगे वो रोड पे आ जाएंगे, तो इससे आम जीवन और आम यातायात ठप हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में आम जनता की असुविधा को देखते हुए, यातायात की समस्या को देखते हुए, हमने उनकी अनुमति रद्द कर दी।